आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 9,000 रूपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और इनटू क्या होता है, समय, और पूरे का बटा कितना होता है, ये 100 होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अब करने के आपको देखिए इसमें क्या पता है, ये जो 9,000 रुपये आपका क्या मूलधन है, और ये जो ये क्या आपको दिया है, दर दिया है, और ये क्या है इसमें समय दिया है। तो इसमें देखिए क्या पता है आपको, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। तो आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, SIB तो बोलते हैं। यहाँ से SI आपको बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन आपको पता है कितना, 9,000 हो गया, 9,000। अब दर कितनी है, दर आपको दे देगी कितनी है, 10% है, और समय क्वेश्चन में पूछा गया, समय यहाँ पे कितना है, 3 वर्ष, आप यहाँ पे लिख लिए, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। अब करने की इसे कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ से ये 00 से 00 कट गई है, अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूं तो कितना मिल जाए, 9 × 3 = 27। कितने जीरो बच गए, 1 और 2, नहीं कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, अर्थात आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया, इतना रुपया ब्याज बनेगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 2700, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। यहाँ पे जो लिखा है सरल ब्याज का मतलब क्या, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100 होता है। आपको इसमें सब कुछ पता है, ये आपको कह दिया मूलधन है, और ये आपको कह दिया समय दिया है, और आपको यहाँ से दर दिया है। तो करने के आपसे क्या पूछा है, SI पूछा है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो मूलधन हो जाएगा और ये गुणे दर हो जाएगा, दर कितनी है आपकी, 1% है, और समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 00 से 00 कट गया, तो यहाँ से बचा कितना आपका, सिर्फ 5 रुपए, अर्थात आप बता सकते हैं कितने रुपए ब्याज बनेगा, 500 रुपए पर 1 वर्ष में 1% के हिसाब से कितना रुपया ब्याज बनेगा, 5 रुपए ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात। इसमें पूछा क्या, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूछ, यहाँ समय देखिए दर किसमें दिया, वार्षिक दिया, और ये समय क्या दिया आपको, माह में दिया। तो जो भी समय दिया आपको क्या करना है, इसे वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देंगे आप, इसमें कितने से भाग देंगे, 12 से भाग दे, आपको ये क्या हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपको किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो काट के छोटा कर लीजिए या इसी तरह से रहने दीजिए। तो पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा ना, तो SI बराबर होता है क्या, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या, मूलधन, मूलधन आपको पता है, मूलधन हो गया, गुणे दर, दर कितनी आपको दे दी गई, 6%, और समय कितना, इतना वर्ष से 8/12, और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से ये 00 से इसका ये 00 कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू, कितनी बार कटे, 6 × 12, 2 से देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 4 = 8। अब आपके पास इधर 60 बज गया और यहाँ पे कितना, 4 बजे, अगर आप इसका गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 × 4 = 24। ठीक है, कितना आ गया, 6 × 4 = 24, अर्थात आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 240 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है, ये तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन बराबर आपको पता होगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका यही मूलधन है, करने के मूलधन में क्या करिए, ब्याज जोड़ ले, आपको क्या पता चले, मिश्रधन आपको पता चले। तो मूलधन कितना है, 6,000 है, और ब्याज करना है, इसमें एड कर लीजिए, अगर इसको ऐड करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6,240 रुपया। ठीक, अर्थात आप बता सकते हैं कि ब्याज आपका इतना आ गया और मिश्रधन कितना आ गया, इतना आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 240 और 6,240। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है। ये दर किसमें दी, वार्षिक दी, दर किसमें दी, वार्षिक दी, और समय किसमें दिया आपका, दिन में दिया। तो जो भी समय दिया आप इसको क्या करेंगे,
इसे क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, वर्ष में कन्वर्ट करना। तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देंगे, 365 से भाग देंगे। ये दिन में है तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से आपको भाग देना। अगर 219 में क्या कर दें, 365 से भाग दे दें, आपका ये क्या हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए पूछा क्या, साधारण ब्याज आपसे पूछा है, मूलधन भी पता है, दर भी पता है और समय भी पता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर या एसआई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन आपको कितना है, 2500 रुपए, और दर कितना है, 5% है। समय कितना आपको दिया, इतना दिया है, 219 बटा कितना, 365, और पूरी का बटा कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से ये 00 से इसका ये 00 कट गया। अगर मैं इसको 5 से देखू, कटेगा क्या, कट जाएगा, 5 7 35 हो गया और 5 3। अगर 73 से इसको भाग दिए, देखिए भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार चली जाएगी पूरी पूरी, तो 3 3 9 यहाँ से कितना बार, 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाए, 3 3 9 हो गया और 3 7 21, 3 बार में इससे क्या होगा, पूरा पूरा कट गया। तो बचे क्या आपके पास, 75 बच गया और 3 बच गया। अगर आप इनका गुणा कर लेंगे तो 25 तक कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कितना रुपया ब्याज बनेगा, 75 रुपये ब्याज बनेगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 75 रुपये, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। इसमें करना है क्या, जो भी समय दिया क्या करना आपको, इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, आपको ये बताना। इसमें पूछा कि कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए पर इतना ब्याज बनेगा, आपको इसमें यही बताना। ठीक है, इसमें क्या दिया आपको, ब्याज दिया है, मूलधन पता है, और क्या पता है, समय, सॉरी ये क्या दिया आपको, दर दिया है। तो आपसे पूछा है क्या, समय आपको बताना है। तो फार्मूला आपको पता है, इसमें क्या पता है आपको, यानी ब्याज पता है, एसआई आपको पता है, मूलधन भी पता है, और ये आपको क्या दिया है, दर भी आपको दिया है। आपसे पूछा है क्या, समय आपसे पूछा है। तो करने के इस फॉर्मूले लग के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमारा क्या जाएगा आंसर है, हम लोग यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना है, 1080 रुपए क्या है, ब्याज। अब इक्वल टू मूलधन कितना है, यहाँ से 3000, अब दर कितनी दी है, 12%, और समय आपसे पूछा है, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 00 इसका, ये यहाँ से 00 रिजेक्ट हो गया, 10 से इसका क्या हो गया, 10 रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इससे 12 से भाग दू तो कितनी बार भाग जाएगी, 12 9 108। अब इधर 3 बच गया और इधर 9 बच गया, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू तो 3 3 9, अर्थात कह सकते इधर कितना बच गया, केवल समय बच गया, और इधर कितना बच गया, 3 बच गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि समय बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, 3 वर्ष। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 3 वर्ष, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतना हो जाती है, 2600 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगर कोई राशि रही होगी 5% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितना हो जा रही, इतना हो जा रही। तो ये आपको दिया कि अगर ये इतना हो जाए तो ये क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये मिश्रधन दिया है तो इसमें क्या शामिल है आपका, इसमें ब्याज शामिल है और इसमें क्या है, मूलधन शामिल है। ठीक है, अगर ये दिखा जाए तो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एक साल में कितना 5% ब्याज बनेगा तो अगले साल भी कितना ब्याज बनेगा, 5%। इस तरह से कितना 6 वर्षों कुल ब्याज कितना बना होगा, तो कह सकते हैं 5 6 30%, 30% ब्याज बना कि नहीं बना, कुल कितना ब्याज बना होगा, 30% ब्याज बना होगा। ये क्या आपका मिश्रधन है, इसमें मिश्रधन है तो इसमें क्या मूलधन शामिल है, जो भी मूलधन होगा अपने आप में 100% है, और इसमें ब्याज कितना शामिल है, 30% शामिल है। तो कह सकते ये जो 2600 है ये टोटल कितना है, 130% है क्या, क्यों, इसमें क्योंकि मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है 30%, तो कह सकते हैं 100 कितना है, 130% है। तो करने के आपको 2600 में क्या करना है, आपको 130 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर, आपको क्या जाएगा आंसर है। मैंने क्या बताया आपको, 2600 में क्या करिए आप, 2600 में क्या करिए, 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर, आपको क्या जाएगा आंसर है। तो यहां से ये 0 से 0 कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दू 13 2 26, अब करने के इसका गुणा कर, यहां से कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। अर्थात आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना है या वह राशि कितनी है, 2000 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या आपको, इसमें क्या करें, इसका गुणा करके क्या करें, 30% आ गया। अगर ये मिश्रधन है तो इसमें क्या मूलधन शामिल है और इसमें ब्याज शामिल है, ब्याज आपको पता कितना शामिल, 30%, तो कह सकते 130% है। इसमें 130 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर, आपको वो राशि पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
वसा सेवन देखा जाए इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, आपको ये बताए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का कितना हो जाएगा, 2/5 है। तो आपसे पूछे क्या है इसमें, दर आपको बतानी है, इसमें क्या बताना आपको, दर बताना है, ठीक है। अगर हम लोग मान ले कि मानव धन कितना है, मान ले कि मानव मूलधन कितना है, 100 रुपए जो ब्याज बन रहा है, क्या कहा, किसी धन का 10 वर्ष का जो ब्याज है उस धन का यानी मूलधन का कितना है, इतना ब्याज है। तो आपको मूलधन पता हो गया, तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना हो जाए, मूलधन का कितना है, 2/5 है। तो करना है कि आपको मूलधन का क्या करिए, आप 2/5 कर लीजिए। अगर यहां से सॉल्व करें 5 × 10, इसका गुणा करें कितना यहां से 40, अर्थात आप बता सकते हैं ब्याज कितना बन गया, 40 रुपए ब्याज बन गया, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, दर पूछा, तो फार्मूला आपको पता होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100 होता है। तो ब्याज भी आपको पता है, साधारण ब्याज यानी क्या पता है, यानी ब्याज आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू मूलधन, मूलधन आपको पता है कितना 100 रुपए, और क्या पूछा आपसे, दर पूछा ना, दर को क्या करिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, लेकिन समय आपको पता है यहाँ पे लिख लीजिए, समय कितना हो गया 10 वर्ष, अब पूरे का बटा कितना होता है 100, तो ये 100 से 100 रिजेक्ट हो गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ से, दर बराबर आप बता सकते हैं कितनी आ गई, 10% वार्षिक आ गई, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, दर आपको पता चल गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना की 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज जितना होगा, फिर क्या कहा गया, उतने ही समय क्या पूछा है, 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में। कहने का मतलब ये कि जो पहले वाले मूलधन पे इस दर से जितने समय में ब्याज बनेगा, फिर क्या गया, इस धन पे 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों में जितना ब्याज बनेगा, दोनों की ब्याज क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये कि दोनों की ब्याज क्या है, बराबर है। ऐसा ही बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100, ये भी आपका होगा। तो कहने का मतलब पहले वाले मूलधन के लिए साधारण ब्याज होगी यहाँ से, और ये सेकंड वाले के लिए। अगर दोनों के साधारण ब्याज क्या कहा क्वेश्चन में, बराबर है। अगर ये और ये बराबर है, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, तो यहाँ से ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं, आप यहाँ से क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, ठीक है। अगर ये पहले वाले के लिए है और ये क्या सेकंड वाले के लिए, तो पहले वाला मूलधन कितना है 8000 रुपए, तो क्या करना आपको, मूलधन के लिए कितना रखना, 8000 रख लीजिए, तो यहाँ से 8000 हो गए। फिर दर कितनी है, 3% है, आप यहाँ पे 3% रख लीजिए। समय आपसे पूछा तो क्या करें, आप समय बराबर उस समय बराबर आप क्या कर ले, एक्स मान ले, या समय डायरेक्ट लिख सकते हैं। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इक्वल टू कितना है, मूलधन देखिए सेकंड वाले के लिए कितना है 6000 रुपए, तो 6000 और दर कितनी रखी गई 4%, और समय आपको दे दिया गया सेकंड वाले में कितना समय 5 वर्ष, पूरे का बटा कितना हो जाएगा। तो बताना है कि आपको पहले वाले में समय आपको बताना है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा आंसर है। तो यहाँ से ये 100 से 100 रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना 6000 है, यहाँ से 000 से इसका क्या हो गया 000 रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो कितना हो गया 4 × 8 हो गया, 4 × 8 हो गया। यहाँ से देखिए 3 से कटेगा, 3 × 6 हो गए। अब इधर देखिए 2 है और इधर भी कितना 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इस पूरी के कितना बच गया x बच गया, और इधर कितना बच गया आपका 5 बच गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि समय बराबर कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, ठीक है। तो पहले वाले के लिए समय कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा 5 वर्ष, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।